बैक टू माय चैनल प्रियंका धीरेन। तो आज है वैलेंटाइन डे 14 फेब 2022। तो मैंने ये पहना है, ये आज का मेरा लुक है। ये मेरा, हो सकता है मैं इसे चेंज भी करूँ, मैं आप लोग को अपडेट करती रहूँगी आगे। बट ये मेरा लुक कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर बाद मार्केट में। अभी अपने घर से निकल चुके हैं, मैं अभी यहाँ पे वेट कर रही हूँ खड़े होके, छाए में हो रही हूँ। हाँ, काफ़ी तेज़ धूप है, आज गर्मी भी है, मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा बैंक आए थे, काम था बैंक में, फिर हम यहाँ से निकलेंगे अपनी शॉपिंग करने के लिए। आज मैं बहुत सारी शॉपिंग करने वाली हूँ, आप लोग आगे मैं अपडेट करती रहूँगी, दिखाती रहूँगी, सो स्किप मत करिएगा। वैलेंटाइन डे का नाइट, अब मैं इसको घर लेके जा रहा हूँ। ये देखो, बहुत ज्यादा गुस्से में है आज भी। ये देखो, मुंह इसका खुला हुआ है, इसको देख सकते हैं आप लोग। ये देखो, अब इसको घर की ओर जा रहे हैं और गेट पे खड़ी है। अब आ जाओ, अब इसका वेलकम करते हैं। और काफी कुछ इसने केस कर लिया है, बहुत ज्यादा गुस्से में थी सुबह से। देखते हैं कि इसे मेरे सरप्राइज पसंद आता है या नहीं। तो चलिए एंटर करिए आप, यहाँ से हो रही है एंट्री। अभी इन्हें खोला और अब बताएं कि इन्हें कैसा लगा। ये मैंने थोड़ा सा डेकोरेट बना दिया है, क्या ये थोड़ा सा खुशी तो दिखी ये थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, बहुत कम समय था, तो मैंने थोड़े से समय में चीजों को करना चाहा। मैंने ये सब कभी नहीं किया है, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो यहाँ से आप बताओ थोड़ा सा कैसा लगा। मुझे तो ओके लग रहा है। ओके। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि मैंने ये लगभग एक घंटे में सारी चीजें तैयार करी हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लिया। सोने का सिक्का, ये सोने के सिक्के, वो भी दो गोल्ड कॉइन। इस केक में लिखा है हैप्पी वैलेंटाइंस डे डीपी धीरेन प्रियंका। नाइस, एक छोटा सा सरप्राइज ऊपर की तरफ भी है, यही है। अच्छा, बट ये सरप्राइज हम ओपन करेंगे आफ्टर, बाद में, जो आप केक कटिंग आपको व्लॉग के लास्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं, आप केक कट कर लेते हैं। रास्ते में मेरा मूड खराब हो गया तो मैंने शॉपिंग नहीं की ज़्यादा, थोड़ी बहुत शॉपिंग की, दैट्स इट, एंड गो टू बैक होम। तो मैं अभी तक मम्मी के घर पे ही थी अपने, तो अभी मैं आई हूँ और देखा, मुझे पता था कुछ तो चल रहा है।
और बहुत सारी चीजें मैंने गेस कर ली थी, मुझे पता था ये सब, पर ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश रही क्योंकि आज तक कभी तो किया नहीं। इस मामले में बहुत अनरोमांटिक है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा रोमांटिक अनरोमांटिक है, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल सच बात है ये। है। आप लोग, आप मेरे हमारे इंस्टाग्राम पे जाओ, हमारे यूट्यूब ब्लॉग्स पे जाओ, तो आपको समझ में आएगा कि इनका जो हस्बैंड है वो रोमांटिक है या नहीं, इनका कितना सपोर्ट करता है कितना नहीं करता। केक का टेस्ट बहुत अच्छा है, मुझे भी खिला दो थोड़ा सा। बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ये केक मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, फर्स्ट जब मैंने पहली बार देखा तभी मुझे ये पसंद आ गया था, बिकॉज इसकी वजह बताएंगे मैं बता देती हूँ इसकी वजह क्या है। ये इनका फेवरेट कलर रेड है और इसमें रेड रेड है, इसीलिए इनका इनको ये केक पसंद आया है। देखा। आई नो वेरी वेल। आपको उस तिल के बीच में कुछ स्पेशल दिख रहा है। एक चीज और मैं बता देती हूँ, पहले उसका राज खोल देती हूँ। ये जो मैंने ब्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये गोल्ड कॉइन्स है, वो गोल्ड कॉइन्स नहीं है, बिटकॉइन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसा आप लोग समझ रहे हैं कुछ भी नहीं है, ये चॉकलेट्स है। ये चॉकलेट्स, देखो 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 देखो, ये चॉकलेट्स है, ये गोल्ड कॉइन्स नहीं, बोलते हैं गोल्ड कॉइन्स है। वाह, तो ये भी एक सरप्राइज था, है ना? ओपन करके दिखाती हूँ आप लोगों को। सी, ऐसे गोल्ड रैपर चढ़ा हुआ है इस पे और ये इसमें से निकलती है एक चॉकलेट। मतलब ये वही बात हो जाती है ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा चुहिया। मतलब मैंने सोच, सच सच में कसम, मैंने सोचा कि ये गोल्ड कॉइन इसके पास, और देखते हैं कि ये गिफ्ट मेरा मेरी डार्लिंग को पसंद आता है या नहीं। ओह माय गॉड, काफी अच्छे से मैंने इसे चिपकाया हुआ था। देखो, ऐसा है कि हर साल गिफ्ट मैंने दिया है, ये पहला साल है कि मेरी तरफ से इनके लिए कोई गिफ्ट नहीं आया है, ये मेरे लिए गिफ्ट आया है। तो आई डोंट नो कि इस गिफ्ट में क्या है, तो इसे हम ओपन करते हैं। तो दो मिनट, तो अब इसकी होगी अनबॉक्सिंग और देखते हैं मेरी मैं मैडम को इसको ये रिबन पसंद को आता बहुत कि अच्छे से नहीं। खोल रही हूँ। ऐसे लो, नेकलेस बना ली। क्या हो सकता है, गैस करूँ ना, इसमें क्या हो सकता है, मैं गैस करूँ। ऐसे टच करके मुझे ऐसे कुछ फील आ रहा है कि इसमें स्टैचू वगैरह है। देखते हैं खोलने के बाद मेरा गैस कितना सही निकलता है। हाँ बिल्कुल, सो पीस है आई थिंक सो। काफी अच्छे से पैकिंग हुई है, इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसको ओपन करने में। अच्छा है, इंटरेस्ट बना रहेगा हमने और आपने। तो लगातार प्रयास जारी है गिफ्ट को ओपन करने का। ओह माय गॉड, फाड़ दूँ? नहीं आराम से खोलो। ये मेरा गैस इतना अच्छा रहता है, इतना अच्छा। मैं मतलब इस इंसान की हर एक चीज मुझे पता रहती है कि ये इंसान करने क्या वाला है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ, हाँ तो छूने से पता चल गया थोड़ा सा, छूने से पता ही चल जाएगा। तो अभी इसके अंदर क्या निकलता है। ओ अरे वाओ, ये है सो पीस, ये है धीरेन्द्र विश्वकर्मा और ये प्रियंका विश्वकर्मा। आप लोग भी प्यार से और ध्यान से देखो कि मेरा गिफ्ट कैसा लगा। बहुत ही क्यूट है ये।
मैंने ये बहुत अच्छा शो पीस लग रहा है ये, कि हम कपल्स के लिए ये कपल गिफ्ट बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए मैं इसे लेके आया। बहुत ज्यादा सुंदर है। चलो फाइनली मेरी जो क्रिएटिविटी थी यहाँ, जो मैंने किया पूरे एक घंटे जबरदस्त मेहनत, दिमाग लगाया, इतनी सारी मेहनत करी अकेले सब कुछ, तो इन्हें पसंद आया। और पूरे दिन की जो थकान थी, जो गुस्सा था, वो अब हो जाके शांत हुआ है और अब जाके इन गालों में खुशी आई है। बाहर निकल गए हैं, हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट और खाना खा के ही घर वापस आएंगे, फिर रेस्टोरेंट आपको हम अपडेट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पर भूख भी तो लग रही है, खाना खाना है, घर जाना है, जल्दी से भी और भी ऑर्डर करना है। कितना खाओगी? इतने से तो पेट भरेगा नहीं। जो भी बड़ा अच्छा है यहाँ का छोला भटूरा। हाँ, भटूरे काफ़ी बड़े बड़े हैं। दिल्ली में गए थे हम लोग तो दिल्ली में, दिल्ली के भटूरे तो छोटे छोटे, पेटी नहीं बनना, भटूरा नहीं भटूरी, भटूरी इतनी बड़ी बड़ी। तो ये खाना खा ले फिर हम आप लोगों से थोड़ी सी बातें करते हैं। हमारा आ गया है सेकंड ऑर्डर मसाला डोसा, अब हम इसको फटाक से ख़त्म करने वाले हैं। घर आ चुके हैं और रात के बज चुके हैं 11, काफ़ी टाइम हो गया है, रात हो गई है। सो फाइनली ये ब्लॉग कंप्लीट होता है। ठीक है, मुझे मज़ा आया, हमने वैलेंटाइंस डे पे मैंने सेलिब्रेट किया। थैंक यू सो मच फॉर हबी कि इतना अच्छा डेकोरेशन किया, सब कुछ किया और कोशिश की मुझे खुश करने की, क्योंकि मैं अपसेट थी। तो मैं अपसेट इस वजह से थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज हम कहीं नहीं जा पाएंगे, सेलिब्रेट नहीं हो पाएंगे, इस वजह से मैं अपसेट थी। सॉरी। फाइनली ठीक है, सेलिब्रेट किया, सब कुछ अच्छा रहा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।